खरगोन में संचालित एक निजी विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल में स्टाफ की लापरवाही से एक 3 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बच्चे को आईसीयू में भर्ती किया गया और ऑक्सीजन मास्क तो लगाया, लेकिन ऑक्सीजन न होने से बच्चे की मौत हो गई। जबकि जरूरत के इंजेक्शन भी आईसीयू में मौजूद नहीं थे। आईसीयू में नर्स स्टाफ बच्चों को ऑपरेट कर रहे थे। अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ भी नहीं है। इन लापरवाही के बावजूद अस्पताल संचालक परशुराम चौहान अपने हॉस्पिटल की खामियों के बजाय बच्चे की नाजुक हालत के कारण मौत होने की बात कर रहे हैं। रेफर करने वाले निजी क्लिनिक के डॉक्टर उमेश श्रीवास्तव ने अपनी कोई जिम्मेदारी न होने की बात कहते हुए हॉस्पिटल संचालक को दोषी बताया है। वजह जो भी हो, लेकिन इस घटना ने मानवता को तार तार करने वाले, कमाई का जरिया बनाकर हॉस्पिटल खोलने वाले चेहरों की हकीकत को उजागर किया है। हालांकि मौके पर कोतवाली पुलिस भी पहुंची, जिन्होंने मामले को संभाला। हम आपको बता दें कि विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष परशुराम चौहान और पूर्व जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष प्रकाश रत्न पारखी का है। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने न होने के बावजूद रसूख के चलते केवल ड्यूटी डॉक्टरों के दम पर निजी क्लिनिकों से रेफर हुए मरीजों को भर्ती कर उगाही हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इन खामियों पर मौन रहना मरीजों की मौत का सबब बन रहा है। HL24 News जल्द ही इन प्राइवेट हॉस्पिटलों की कालाबाजारी और पैसे उगाही की पूरी पड़ताल आपको दिखाएगा, जिसमें कई रसूखदारों के चेहरे उजागर होंगे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। एकदम लगी है और सिलेंडर खाली लगा दी, दो सिलेंडर ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर आईसीयू में एट्रोपिन इंजेक्शन नहीं मिला 15 लोग। देखो मैं वहां की कंडीशन भी आपको बताऊं, कैसी इसको कहते हैं। पहले जो पैसे बोले 3,000 जमा करो, 3,000 जमा करो, उसके बाद में भी तो भैया अपने पास तो पहली बार हुआ है। इसकी छोरी थी कि आईसीयू बताओ इनका कैसा से चलो भाई, यही पे अस्पताल के सामने ही लगा दिया। मीडिया वालों को बुलाया तो वो भी आ गए। एडमिट थी, एड्रोपेन इंजेक्शन की ट्रेनों में ढूंढ ढूंढ के निकाले हमने। इसमें ऑक्सीजन का है लेकिन नहीं, इसमें ये यहाँ से लगाया, ऊपर वाले में नहीं है। ऊपर में बताऊँ, ऊपर भी ले चलूँ। ये सब पूरी ये सब इसमें ऊपर एक जमाए हुए थे अलमारी में, ये अलमारी में इसमें सब जमाए हुए थे। अब इसमें से निकाले सब। नीचे जाओ सर, नीचे जाओ। जाओ नीचे, बिल्कुल मत, बस नीचे जाओ। सर्दी की बात है, सुबह भी अच्छी थी, यहाँ पे फूका मंगा फूका ला लिया। सुबह 4 बजे डॉक्टर साहब आपसे उनसे बात करो तो जिम्मेदारी बात कर दी ना, अपने अपना स्टेटमेंट दे दिया मैंने। सर आपने भेजा था विजयलक्ष्मी अस्पताल,
हाँ मैंने रिफर किया था उसको विजयलक्ष्मी अस्पताल भेजा था। जी जी वहाँ सिलेंडर नहीं मिला था। अब मुझे नहीं पता जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।